नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। होली के त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार प्यार से मनाएं, नशा नहीं करना है, ध्यान रखना है आपकी होली को नशा मुक्त रखना है। होता है क्या, लोग नशा करके त्यौहार में लड़ाई झगड़ा ये वो करके पूरा माहौल खराब कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग होली में नशा करें उनसे निवेदन है कि आप अपने घर पे रहना, किसी से विवाद मत करना, ठीक है? आप अपने हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं क्या जरूरत है बोलने की। चलिए, बहुत बात हो चुकी सबके लिए, बहुत बात हो चुकी सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माताओं के लिए, दादा दादी नाना नानी पुत्र पुत्रादि ससुराल के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने ड्राइवर भाइयों के लिए जो सड़क पे रहते हैं। सड़क मतलब उनकी लाइफ जो है अधिकतर सड़क पे ही गुजरती है। अपने बीबी बच्चे, अपने समाज, अपने रिश्तेदार को त्याग करके, यानी बच्चों को पालने के लिए कितना बड़ा रिस्क उठाते हैं ड्राइवर भाई हमारे जो हैं, वो अपने बच्चों का सुख विशेष नहीं जान पाते हैं, समाज का सुख नहीं जान पाते हैं। और हमारी शान है अगर ड्राइवर भाई ना हो तो जो ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे पास कपड़े से लेके जो दैनिक वस्तुएं हैं वो पहुंचती हैं वो ना पहुंच पाए। तो सबसे पहले जितना देश के हमारे जवान, देखिए देश के तीन ही चार किसान जवान ये तो महत्वपूर्ण, ड्राइवर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रिस्क ड्राइवरों को रहता है, जवानों को रहता है, और उतनी कम तनख्वाह उनकी रहती है। जो जितना बैठ के एसी में बैठा है उतनी बड़ी तनख्वाह ले रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। बहरहाल मैं अपने ड्राइवर भाइयों से निवेदन करूंगा कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करें। और कल हमारी वीडियो पड़ेगी जो कमेंट है उनके लिए, जो होली पे बहुत बड़ा पुरस्कार, उसका मैं कल वीडियो में कमेंट में भी और ऐसे भी जिन्होंने मेरा सहयोग किया उनका मैं नाम लूंगा। आज की वीडियो में जो अच्छा कमेंट करेगा, लाइक करेगा, उसके लिए भी दीपावली और होली के जैसे बड़े जो त्यौहार होते हैं उनमें उनके लिए कुछ विशेष ही सोचा जाएगा। सनातन धर्म संस्कृति और अपने सनातन को बचाने के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। सभी हमारे अच्छे अच्छे साधक उपासक भी हमारे साथ जुड़े हैं जो निरंतर मुझे सुझाव भी देते रहते हैं, इसके लिए हृदय से आभार आप सभी लोगों को। देश के विश्व के जितने भी प्राणी हैं सभी लोग सुखी से रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धनदान से परिपूर्ण रहें, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई जो सड़क पर रहते हैं अधिकतर उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और रिस्क क्या रहता है। गाड़ी एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का प्रबल चांस रहता है कि हम लंबे टूर पे जा रहे हैं, मुझे माल ये पहुंचाना है, विदाउट आराम किए वो लगातार गाड़ी 12-12, 15-15 घंटे चलाते हैं, ऐसे में रिस्क है। उसके साथ स्वास्थ्य में भी ठीक है दिक्कत होती है। स्वास्थ्य के साथ एक बात और प्रॉब्लम होती है, पूछिए क्या, कि इनको उस हिसाब से आय नहीं हो पाती है। तो आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं इसको कृपा करिएगा, करने के पश्चात आपको सबसे पहले आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आप सुखी हैं, आपका परिवार सुखी है, आप हैं तो आपका परिवार है। आप जब घर से निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आपका इंतजार करते हैं कि मेरे पापा आ जाते होंगे, मेरे पापा आ जाते होंगे। आपकी पत्नी डेली अगर पूजा करती होगी तो यही मनाती होगी, हे देवी मैया, हे भोलेनाथ, हे हमारे जो नौ देवियां हैं, मेरा सुहाग उजड़ने मत देना, मेरे पति इतनी मेहनत करते हैं, हे माता रानी उनका कल्याण करना, कहीं कुछ ना होने पाए मेरे पति को। भले आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपका परिवार ये विनती प्रेयर प्रार्थना मान्यता करता रहता है। तो अब हमारी जो बहनें हैं जिनके पति ड्राइवर हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमारी जो माँ हैं जिनके बेटे भी ड्राइवर हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं बताने जा रहा हूँ, इसको लिखिए, नोट करिए और ध्यान रखिए।
शनिवार को, किसी भी शनिवार को आपको काम करना है। एक लंगोट छोटी सिलवानी, लंगोट हनुमान जी की जैसी लंगोट सिलवानी है, और उसको पीले सिंदूर से, जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर से उसके ऊपर छिड़क देना है, थोड़ा इत्र डाल देना, हाथ में लेके ऐसे से मसल देना, ताकि अच्छी तरीके लंगोट पे वो इत्र, इत्र कोई भी हो, और चमेली का हो तो सबसे बढ़िया है, और वो सिंदूर लिपट जाए, यानी इस कलर का पूरा हो जाए, सिंदूरी कलर का जो होता है वो हो जाए। अब क्या करना है, उस लंगोट को उठाना है, पांच तरीके की अलग अलग मिठाई एक एक पीस लेना, एक दोने में रखना है, थोड़ा चना थोड़ा गुड़ रखना है एक दोने में, साफ पानी रखना है, इसको पीपल के वृक्ष के पास शाम को जाएं और प्रणाम करें कि हे वृक्षराज, हे देव के देव, आज मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूं कि मैं अपना नाम लीजिए, मैं पुत्र अमुक अपनी माँ या पिता का नाम, या पत्नी अगर हो तो मैं पत्नी अमुक, ठीक है, अगर आप अपने पति के लिए कर रही, या स्वयं जातक अपने लिए कर रहा तो अपनी माँ या पिता का नाम लेना है। आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आपको एक हफ्ते बाद मैं लेने आऊंगा, मेरे साथ चलकर, हमारे साथ रहकर, हमारे वाहन को, हमारे शरीर को, हमारे परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, सुरक्षित रखना, उसके साथ धन धान से परिपूर्ण रखना। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अपनी कृपा जरूर करेंगे। ये बोलने के बाद उस पीपल पे पांच तरीके की मिठाई रख देना है, और जल चढ़ा देना, प्रणाम करना, गुड़ और चने भी रख देना है हनुमान जी के नाम से। अब जो छोटी लंगोट है उसको पीपल के किसी डाल पे बांध देना, बहुत मोटा पीपल हो तो उसकी पेड़ पे धागे से लपेट देना, प्रणाम करना, अगरबत्ती जलाना, चले आना। अगले शनिवार को जाना है, ये लंगोट आपको खोल के लाना है। किस तरीके खोल के लाना, फिर पांच मिठाई एक सिंगल सिंगल ले जाके वहां रखना, पानी देना, धूप देना, दीप देना, और बोलना, चलिए महाराज, मैं आपको पिछले शनिवार को निमंत्रण दिया था, आप तैयार होइए, प्रसन्नचित होके चलिए मेरे घर। अच्छा, अगले शनिवार को जब लेने जाएंगे तो नहा धो के जाना लेने, जैसे हम किसी पवित्र चीज को लाने जा रहे हैं, तो वहां पहुंच के बोलना, हे वृक्षों के हे वृक्षराज देव, आप प्रसन्न चित होकर चलिए मेरे साथ, और मेरे सभी कार्यों को, जैसा मैंने निमंत्रण देते वक्त बोला था, उन सभी कार्य को करिए, मेरे अंग संग, मेरे परिवार के अंग संग रहकर, धन दान से, पुत्र पुत्रादि से, और स्वास्थ्य से सही रखिए। ये बोलने के बाद उस लंगोट को, छोटी सी लंगोटिया को ले आइए, उसको घर पे लाके हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, ये एक एक बार पढ़कर, धूप दीप देके, आरती करके, और लगभग 125 ग्राम हलवा बनाकर वो भोग दें शंकर भगवान को और बजरंगबली को, ये हलवा बच्चों को बांट दें। अब इस लंगोट को फोल्ड करके आप अपनी गाड़ी में, पवित्र जगह जहाँ मंदिर रखते हैं या स्टेयरिंग के पास, ऐसे नहीं कहीं पाए एंट्री कर दी, कहीं सुरक्षित जगह जहाँ आप धूप दीप दे सको, इसको रखिए। यकीन मानिए, एक तो आपको निद्रा नहीं आएगी, गाड़ी चला रहे हो कभी कभी हो, तो निद्रा गाड़ी पे अगर आएगी भी तो आपको ये सचेत कर देगा, आप खुद गाड़ी आगे नहीं चलाएंगे, खुद सेफ हो जाएंगे, या दुर्घटना नहीं होने देगा, आपको किसी न किसी तरीके से बचाता रहेगा, यानी गाड़ी पर आपको अकाल मृत्यु नहीं मरने देगा। और गाड़ी को कोई नुकसान, मेन बात कि गाड़ी अचानक चल रही, खराब होगी, बहुत से लोग कहते हैं मेरी गाड़ी बार बार खराब हो जाती, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ धर दिया, तो गाड़ी भी आपकी सेफ रहेगी। बहुत ही अचूक उपाय इसको करिए, और किसी प्रकार का कष्ट हो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप संपर्क कर सकते हैं। होली प्यार से मनाइए और मिलकर रहिए, एक वृक्ष जरूर लगाइए। अब कि सब लोग होली में एक वृक्ष लगाएंगे, ठीक है, सभी लोग एक वृक्ष लगाते हैं मिलकर। और किसी घर में, जिस घर में गरीबता हो, कोई कमाने वाला नहीं, खाने को तरस रहे, तो उस घर में हम लोग होली, उस परिवार में होली ढंग से मनवाएंगे। किस तरीके से, हम चार पांच लोग मिल जाओ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ चीजें कलेक्ट करके उस घर में दे आइए, ठीक है। त्योहार का आनंद तभी है जब जो परिवार, जो मनुष्य त्योहार मनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसकी व्यवस्था करके उसके ओंठों पे खुशी दे दी जाए, तो त्योहार हमारा सार्थक हो जाएगा। जय श्री राम। अगली वीडियो फिर आ रही है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, लोगों के लिए शेयर कर दें।
ताकि जो निशुल्क सेवा करता हूँ और जो आजमाए हुए प्रयोग रहते हैं उसी को मैं डालता हूँ। मैं खुद प्रयोग करता हूँ, करवाता हूँ, जब वो सत्य होते हैं तब मैं डालता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी एक दो वीडियो के लिंक भी पड़ी, उनको भी आप देख सकते हैं। बस यही निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही है। जय श्री राम। होली खेलें रघुवीरा, अवध में होली खेलें रघुवीरा। जय श्री राम।